खबर गाजीपुर जनपद से है, जहां नगर पंचायत सादात स्थित प्राचीन राधा कृष्ण मंदिर पर श्रीमद् भागवत कथावाचक शीतल प्रकाश ने हिंदू धर्म परंपरा को जागृत करते हुए शिव पार्वती की परिक्रमा करने वाले भगवान गणेश को याद दिलाते हुए आज के युवा पीढ़ी के पुत्र पुत्रियों के लिए माता पिता का सर्वोच्च स्थान बताते हुए कहा, अगर माँ का धरती पर स्थान है तो पिता को आकाश की छाव माना जाता है। हमारे सनातन संस्कृति में हजारों वर्षों से माता पिता पूजनीय है एवं वंदनीय है। इसका उदाहरण भगवान गणेश व श्रवण कुमार आदि है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि अपने इस भारतीय परंपरा को जागरूक रखते हुए अपने बच्चों को धार्मिक आध्यात्मिक ज्ञान देना परम आवश्यक है, जिससे कि बच्चों को इस भारतीय परंपरा का बोध होता रहे और वह अपने माता पिता की आज्ञा मानता रहे, प्रतिदिन चरण स्पर्श करे। इसके साथ ही अपने माँ बाप के साथ व्यवहार अच्छा रख कर सम्मान करे, हिंदुत्व को एवं हिंदू धर्म की परम्परा को सदैव निभाते रहे। सादात गाजीपुर से अजीत मोदनवाल की रिपोर्ट। चावल के दाने, धूप बत्ती होनी चाहिए और दीपक आरती के लिए कुछ मीठा खिलाने के लिए माला यदि हो तो, और चंदन या रोली, इतनी चीजें आपकी थाली में होनी चाहिए। सबसे तोड़ के रोली उठा लो। चाहते हैं कि हमारी आंखों में किसी संतारी का रूप न बस पाए तो तरीका यही है, 5-10 मिनट अपलक आंखों से अपने भगवान का दर्शन करें, जिसको आप मानते हो, राम जी को, कृष्ण जी को, अंबे माँ को, हनुमान जी को, अथवा अपने गुरु भगवान को, अपलक आंखों से उनको देखें 5 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, और फिर आंख बंद करके उस पावन तस्वीर को आंखों में देखें। यदि ईश्वर को आंखों में बसा लोगे तो संसार के रूप लावण्य आपके आंखों को आकर्षित नहीं कर पाते। विश्व गुरु भारत बने, दे दो यह वरदान, दे दो यह वरदान। हरि हरि ओ, लेके जाएंगे जो लोग भी पहली बस से आए, आप सभी को वंदन, आप सभी के माता पिता बुजुर्गों को।